नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2022 का 39वां मुकाबला यानी कि 39th मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में खेला जाएगा। और कहां खेला जाएगा? एमसीए पुणे में। देखिए, जो आखिरी टक्कर हुई थी इन दोनों टीमों के बीच में यानी कि राजस्थान और आरसीबी के बीच में, जो अभी सबसे लेटेस्ट टक्कर हुई थी उसमें आरसीबी जीती थी, वो भी 4 विकेट से। तो अभी आरआर को वापसी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम टोटल हेड टू हेड की बात करें दोनों ही टीमों की, तो 26 मैचों में से 13 बार आरसीबी जीती है और आरआर जीत पाई है 10 बार। और वहीं 3 जो मैच हैं उनका रिजल्ट ही नहीं रहा है, चलिए 3 को हटाएं तो आरसीबी का जो पल रहा है वो भारी है। फिलहाल आईपीएल 2022 की अभी तक की पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान रॉयल्स 3rd नंबर पर है 10 पॉइंट्स के साथ, और आरसीबी भी 10 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर है। तो नेट रन रेट की वजह से ऊपर नीचे हैं, बाकी दोनों के 10 पॉइंट्स हैं टीमों के। बस समझना इस बात को पड़ेगा कि ये जो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो राजस्थान रॉयल्स को मिलते हैं या फिर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को मिलते हैं इस मैच में। तो फिलहाल बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, रजवाड़ो की क्या 11 होगी, क्योंकि पिछली बार आरसीबी से जब आमना सामना हुआ था तब हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार 2 पॉइंट लेने की पूरी जंतोजहद रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। एक तरफ कप्तान संजू सैमसन भी फॉर्म में आ चुके हैं, दूसरी तरफ जॉस बटलर लगातार अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं, 3 शतक लगा चुके हैं, ऑरेंज कैप उनके पास है। तो वहीं राजस्थान की टोली में पर्पल कैप होल्डर युजवेंद्र चहल भी है, जो अपने गोल्डन स्पेल इस साल जो है कर रहे हैं राजस्थान की टीम के लिए। तो चलिए दिव्यांशु, सबसे पहले 11 की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पिच के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की 11 की देखते हैं। देखिए, जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, जॉस बटलर लगातार बड़े चल रहे हैं, तो क्या देवदत्त पडिक्कल ठीक है, कॉम्बिनेशन ओपनिंग का ठीक है, या कोई चेंजेस हो सकता है? देखिए, पिछले मैच में तो 50 बनाकर आ रहे पडिक्कल, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन सही अब सही हो गया है। पहले थोड़ा सा दिक्कतें थी, यशस्वी थे पडिक्कल भी फॉर्म में नहीं थे, बट पिछले मैच से लगा कि हाँ पडिक्कल फॉर्म में अब आ चुके हैं, तो ये और ज़्यादा खतरनाक मतलब हो जाएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि जॉस बटलर तो एक तरफा बॉस है ही, बट पडिक्कल घर के भेदी रहेंगे इस बार एक बार फिर से आरसीबी के सामने, तो ये अब ये भी फॉर्म में है, तो अगर ये दोनों चल गए तो फिर आरसीबी की थोड़ी सी मतलब दिक्कतें जो बढ़ जाएंगी। तो देवदत्त पडिक्कल, जॉस बटलर दोनों ही रहेंगे इस बार। तो इस मैच में लग रहा है कि जॉस बटलर वो विराट कोहली वाला रिकॉर्ड है ना, वो खतरे में आ रहा है, लगातार शतक बना पाएंगे या नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जॉस बटलर देवदत्त पडिक्कल की ओपनिंग जोड़ी के बाद 3rd नंबर पर हैं कप्तान संजू सैमसन, और कप्तान संजू सैमसन भी अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं निडर होकर, फियरलेस होकर, वो वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और 3rd नंबर पर क्या संजू सैमसन खुद को थोड़ा पीछे कर सकते हैं, या 3rd नंबर उनके लिए, मुझे तो लगता है बेस्ट है? नहीं, बेस्ट है वो सही नंबर पर आ रहे हैं, इसी नंबर पर उनको खेलना चाहिए, वहां से पारी संभाल भी सकते हैं और गियर चेंज भी करवा सकते हैं, तो ये बेस्ट है। फिर नीचे आएंगे तो फिर वो फिनिशर हो जाएंगे ना, तो फिनिशर के तौर पर एकमात्र अभी मतलब एकमात्र तो नहीं, दूसरे ऐसे कप्तान है आईपीएल में जो विकेट कीपिंग के साथ जो है कप्तान है, एक तो केएल राहुल है और एक ये ऋषभ पंत भी हैं। हाँ, ऋषभ पंत भी हैं, राहुल तो खैर कर नहीं रहे, राहुल लेकिन विकेट कीपिंग कर नहीं रहे इसीलिए, लेकिन ऋषभ पंत तो करते ही हैं, संजू सैमसन भी करते हैं। शेमरॉन हेटमायर का है अगला नाम, शेमरॉन हेटमायर द कैरेबियन पावर, वेस्ट इंडियन पावर। तो शेमरॉन हेटमायर इस सीजन मुझे लगता है जो बाल इन्होंने गुलाबी करवाए राजस्थान रॉयल्स के लिए, रंग में रंग गए हैं और रंग में रंगना जो है काम भी आ रहा है, बढ़िया चल रहे हैं और अच्छी जो है बल्लेबाजी टीम के लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रनों में, और फील्डिंग तो अच्छी वो करते हैं, अपना पूरा के पूरा 100% देते हैं, अच्छे एक ओवरसीज खिलाड़ी हैं इस टीम में। अगला नाम है करुण नायर का। देखिए, करुण नायर ने जो मैच खेले हैं अभी तक 2 मैच खेले हैं, एक मैच में तो कुछ 4-5 रन पर आउट हो गए थे, दूसरे मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई थी पिछले वाले मैच में, तो हमें लगता है कि करुण नायर को इस वाले मैच में भी मौका दिया जाएगा, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, पहले भी खेल चुके हैं आईपीएल में, काफी मैच खेल चुके हैं, तो इनकी बल्लेबाजी पर कोई शक नहीं है, मौका दे रही है टीम, जैसे ही 2-3 मुकाबले मुझे लगता है इनको मिलेंगे इनका फॉर्म वापस आएगा। अगला रियान पराग का नाम है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि रियान पराग बल्लेबाजी में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, गेंदबाजी में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, ये राजस्थान की विनिंग मोमेंटम का एक तरह से अगर कहे ना कि थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं ना, क्योंकि विनिंग मोमेंटम जा रही है तो टीम ड्रॉप नहीं कर रही है, एक दो मैचेस बीच में जरूर हारी है तो उसके कारण इतना फर्क नहीं पड़ा, बट रियान को करना पड़ेगा यार कॉन्ट्रीब्यूशन, आप टीम में खेल रहे हो
एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हो तो कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, आप फिनिशर हो तो फिनिशर की भूमिका अदा तो करनी पड़ेगी, बॉलिंग में भी आप आते हो कभी कभी, तो मतलब दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट इकोनॉमिकल स्पेल तो डालें आप, विकेट ना लें तो फर्क मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए टीम को। चलिए, और रियान पराग के बाद नाम है आर अश्विन का, रविचंद्रन अश्विन, पिछले साल दिल्ली में खेलते थे, उससे पहले पंजाब से भी खेले, चेन्नई से भी खेले, तो इनका तो बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है आईपीएल का, इन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया कह सकते हैं। और आर अश्विन बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, टीम को एक्सपीरियंस देते हैं, ला करके कॉम्बिनेशन दे देते हैं, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, गेंदबाजी भी करना जानते हैं, गेंदबाजी तो इनकी मेन स्ट्रीम है। तो आर अश्विन बढ़िया ऑलराउंडर, मैं कह सकता हूँ बॉलिंग ऑलराउंडर, और बढ़िया गेंदबाज स्पिन के तौर पर अगर देखा जाए तो। इनके बाद नाम है उस गेंदबाज का जिसने केएल राहुल को पहली गेंद पर आउट किया था, और केएल राहुल वो बल्लेबाज है जिन्होंने आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट 50 यानी कि 50 लगाया है, तो उसका नाम है ट्रेंट बोल्ट। बट ये इंजरी की जब से हुई है उसके बाद से जब वापसी की तो थोड़े अलग मतलब रंग में नहीं लगे, उससे पहले बढ़िया विकेट्स ले रहे थे बट उसके बाद ना ये लगातार महंगे साबित हो, पिछले मैच में देखिए 4 ओवर 47 रन इन्होंने दिए बिना विकेट के, तो बोल्ट अब महंगे साबित हो रहे, क्या है वो इंजरी का गैप है उसके कारण थोड़ा सा? मैंने तो पहले भी कहा था कि एक मैच का भी गैप अगर आ जाता है ना बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए, एक मैच का भी गैप आया था तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए, थोड़ा अलग सा हो जाता है पिच अगर एक मैच का भी गैप आ जाता है तो। अगर आप देखिए टूर्नामेंट में खेले इसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं है तो एक अलग चीज है, लेकिन टूर्नामेंट चल रहा है और अगर आप मैच ना खेलें वो मोमेंटम चला जाता है, मोमेंटम चला जाता है, परफॉर्मेंस गैप आ जाता है, उसी की वजह से जो है ट्रेंट बोल्ट देखिए बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, कोई इसमें शक नहीं है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, वापसी करेंगे फिर से अपने आप को, अपने टीम के लिए जो है विकेट्स निकाल कर देंगे, फिलहाल इस टीम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट। बिल्कुल। अगला नाम है प्रसिद्ध कृष्णा का, अब प्रसिद्ध कृष्णा के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और 11 में जो इनकी जगह है वो कितनी पुख्ता है? देखिए पिछले मैच में 3 विकेट हॉल था और शानदार गेंदबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और उनको रोकने में जो कामयाब रहे थे एकमात्र गेंदबाज ये रहे थे जिनको सबसे ज्यादा विकेट है। प्रसिद्ध की प्रसिद्धि जो है ना वो लगातार पूरी दुनिया में आ रही है और इंडिया टीम में भी अब तो खेल चुके हैं, तो ये लड़का है ना फ्यूचर लग रहा है मुझे थी कि ये जल्दी है ना T20 वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कहीं दिख सकते हैं। दिख सकते हैं भाई, बिल्कुल दिख सकते हैं। इनके बाद नाम है ओबिड मैकॉय का, ओबिड मैकॉय देखिए 20वां ओवर कराया था इन्होंने दिल्ली के खिलाफ, याद पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के लगे थे और बस तीसरी गेंद वो 9 बॉल के कंट्रोवर्सी हुई थी, वो तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला था, लेकिन ओबिड मैकॉय क्या दबाव सोखने वाले गेंदबाज है, क्योंकि 11 में ओबिड मैकॉय रहेंगे, पिछला मैच भी जो है कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा रन दिए नहीं तो बच गए, लेकिन रहेंगे और क्या रोल रहेगा, क्या डेथ ओवर ही कराएंगे या कुछ और भी नहीं रहेगा? प्रेशर तो रहेगा, पिछली बार रोमन पॉवेल के सामने वो प्रेशर दिख रहा था, फुल टॉस इतनी बड़ी फेंक दी थी, वो तो बच गए किस्मत के चलते, वरना शायद पॉवेल खींच लाते 6 छक्के लग जाते जिस फॉर्म में थे। तो मैकॉय पे प्रेशर है बट राजस्थान बैक करेगी तो अच्छा है कि चलिए बोल्ट साथ में प्रसिद्ध है तो थोड़ा उनको मिलेगा एक साथ, तो मैकॉय डेथ ओवर के लिए मुझे लगता है कि स्पेशली राजस्थान उसको यूज करेगी। और अंत में नाम है चतुर चालाक चहल का, जो क्रिकेट की पिच पर शतरंज खेलते हैं, इनके बारे में तो क्या ही कहने, चेस प्लेयर है, पर्पल कैप होल्डर है, वो चेस खेलते हैं दिमाग से, बल्लेबाज के दिमाग से चेस खेलते हैं, जिस तरीके से विकेट लेते हैं, पर्पल कैप अभी इनके पास है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आसपास तक कोई नहीं है 4-4, 5-5 विकेट का अंतर है, तो युजवेंद्र चहल तो एक अलग ही लेवल पर चल रहे हैं इस वक्त, और राजस्थान रॉयल्स की टीम की मजबूती इसी से देखी जा सकती है, पॉइंट्स टेबल पर 3 पर है और 2-3-1 इनका चलता रहता है, 1-3 तक ये करती रहती है ट्रैवल आगे पीछे, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, पर्पल कैप इनके पास है, ऑरेंज कैप इनके पास है, तो डोमिनेशन है राजस्थान रॉयल्स की टीम का। अगर हम इस पिच की बात करें तो दिव्यांशु पिच कैसी है, क्या ये बॉलिंग को मदद करेगी या बैटिंग को मदद करेगी या दोनों ही को मदद करेगी? अगर बॉलिंग को करेगी तो स्पिन में या पेस में, मतलब क्या है? देखिए सबको मदद करेगी ये पिच, सबके बारे में सोचती है पुणे की जो पिच है, यहाँ पे 170-180 बन भी सकते हैं, साथ ही साथ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी और स्पिन भी देखने को मिलेगी, हालांकि शाम का मुकाबला है तो थोड़ी दिक्कत है, वो शबनम वाला जो फैक्टर है ना सबको सताता है, इसी कारण टॉस जीत के बॉलिंग करो फिर चेस करो, यही फॉर्मूला है। अब संजू देखते हैं कि टॉस जीतते नहीं जीतते। देखिए यहाँ पर युजवेंद्र चहल हैं और आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, रियान पराग से भी आप करवा सकते हैं गेंदबाजी, स्पिन की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर स्पिन को जो है मदद मिलती है, गेंदबाजों को मदद मिलती है एमसीए की इस पिच पर, और देखिए पहली पारी में 165 से 175 का जो है एक अच्छा स्कोर रहता है, एवरेज स्कोर रहता है, तो अगर जाता है स्कोर पहली पारी में, चाहे कोई सी भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे, मतलब
कोई भी पहले बल्लेबाजी करे कोई सी भी टीम, अगर 190 का 195 का स्कोर देने में कामयाब हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच हो जाएगा और देखना होगा कि कौन इस मैच को जीतता है। चलिए राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 एक बार फिर से आपके लिए सम अप कर देते हैं। जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, करुण नायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबिड मैकॉय और युजवेंद्र चहल, ये 11 होगी राजस्थान रॉयल्स की। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई चेंजेस हो सकता है, किसी प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं या किसी और प्लेयर को चांस दे सकते हैं या किसी के नंबर में बदलाव हो सकता है, वो सारी के सारी तमाम चीज़ें आपके आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और IPL और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स ट्रैक के यूट्यूब चैनल को, और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।